जय हिंद दोस्तों, मेरे नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जीके एंड जनरल अवेयरनेस कंसर्निंग जो भी टफ पार्ट पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने ऑलरेडी अप टू पार्ट 3 डिस्कस किया है दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएंगे, जो कि जीके एंड जीएस के प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा वीडियो। चलिए इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जैसे कि डेलिक्विजेंस वो चीज़ है जब मॉइस्चर देखने को मिलता है, वो मॉइस्चर धीरे धीरे से क्या वो पानी हो जाता है लिक्विड टाइप में, वो उसको हम डेलिक्विजेंस कहते हैं। एफ्लोरेसेंस जो कि आप जानते हैं सॉल्वेंट होता है, जैसे अपना फूल से जो भी सॉल्व हो जाता है, अब्सॉल्व हो जाता है जो लिक्विड कंटेंट, उसको हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन को रिमूवल किया जाता है, डीसैलिनेशन में क्या होता है नमक की मात्रा को हटाया जाता है, सो इसको डीसैलिनेशन कहते हैं। ये सब प्रोसेस आप इंटरनेट पे एक बार चेक कर लीजिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो कि 295 केल्विन डिग्री, आप जानते हैं सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन का जो भी रिलेशन है, जैसे कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट -40 डिग्रीज पे काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है, और ठीक उसी तरह 295 केल्विन को केल्विन स्केल अगर बराबर देखा जाए डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फॉरेनहाइट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 72 फॉरेनहाइट बन सकता है। अगला देखिए, ओनली वन ट्री इज़ नोन टू लिव लॉन्गर दैन जियंट इज़ ट्री, जो भी ट्री है यहाँ पे ये काफ़ी दिन वो जीता है, लॉन्गर दैन जियंट सिकोया, उससे भी ज़्यादा जीने वाली जो ट्री है दैट इज़ ब्रिस्टल कोन पाइन, ये काफ़ी लेंदी लाइफ है दोस्तों कंपेयर टू जियंट सिकोया। फर्स्ट एनिमल लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट वाज, जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला ऑर्बिट में भेजने वाली जो एनिमल थी वो एक कुतिया थी, उसका नाम लाइका, जो कि रशियन लोगों ने वहाँ पे भेजा गया है। बाकी रोडेंट अगर पूछा जाए, जो कि आप आसान होता है साइंटिस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो रोडेंट को हम चूहा कह सकते हो, बाकी चिंपांजी माउस ये सब मतलब नहीं है। अगला देखिए, नेम द फर्स्ट मैन मेड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट, जो कि मैन मेड स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑर्बिट अर्थ का जो ऑर्बिट में भेजा गया है उसका सबसे पहला नाम स्पूतनिक, याद रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट पायलट टू ब्रेक द साउंड बैरियर एंड सर्वाइव, ऐसा कौन सा पायलट है जो कि साउंड बैरियर को ब्रेक किया, उन्होंने अपने आप को बचाया भी, सर्वाइव भी किया, उस साइंटिस्ट का जो उस टेस्ट पायलट का नाम है ईगर। कितने खुल मिला के टाइम जोन देख सकते हो इन द कंटीजियस यूनाइटेड स्टेट्स, कुल मिला के 24 है, पर यूएसए में आप सिर्फ 4 ही देख सकते हो। इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोल इज़ द एनर्जी सोर्स दैट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा यूएसए में कोल देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोर्स, पर सेकंड नंबर पे वो जो यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों। अगला देखिए, फर्स्ट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टुक प्लेस इन विच ईयर, जो भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो सबसे पहला कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वो 1942 में ये स्टार्टअप किया था। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन्स इज, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कॉमनली ह्यूमन के अंदर जो कि यूज़ किया जाता है, पोटाशियम 40। कार्बन डेटिंग प्रोसीजर आप जानते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे पोटाशियम 40 को ह्यूमन्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों। फूल्स गोल्ड इज़ ए कॉमन नेम फॉर द मिनरल्स पायराइट, पायराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड कहा जाता है,
वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उसी किस्म का देखने को मिलता है पायरेट। प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, आपको 1350 से भी ज़्यादा आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग 50 प्लेलिस्ट से ज़्यादा। अगर 5 PM हो रहा है ग्रीनविच मीन टाइम में, व्हाट इज़ द टाइम इन वाशिंगटन DC इन दिसंबर, जो कि हम जानते हैं GMT अगर मान लो 5 बज रहा है तो वहाँ पे 12 नून आफ्टरनून में वहाँ पे होगा, जो भी ग्रीनविच मीन टाइम है और वाशिंगटन DC का क्या फ़र्क रहेगा उसके हिसाब से। इस तरह का सवाल आपको इंडिया से कंपेयर किया जाएगा, चिंता मत करो। इंडिया में अगर है तो आराम से प्लस 530 ऐड कर सकते हो। व्हाट साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स ऑरिजिन, ऐसा कौन सा साइंस होता है जो कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर को और ऑरिजिन के बारे में, योस्मोलॉजी, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स और ऑरिजिन के बारे में पूछा जा रहा है, वो योस्मोलॉजी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रॉयड्स के बारे में या सेलेस्टियल बॉडीज में, जो कि एस्ट्रोनॉमी है। विच टू गैसेस आर यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर इन सवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, जो कि ओजोन और क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, ये दोनों गैसेस है दोस्तों जो कि पानी के अंदर डिसइनफेक्ट जो भी मात्रा है उसको हटाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हीलियम की हम लोग डाइवेटर के जो डाइवर्स होते हैं उन डाइवेटर के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन मिलाया जाता है। व्हाट नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन इंडोर एयर इज सस्पेक्टेड एज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर, जो कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है रेडॉन की वजह से काफ़ी लोगों के लंग कैंसर हो रहा है, इसी रेडॉन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रहा है। इफ़ द टाइम बिटवीन ए लाइटनिंग फ्लैश एंड द रिजल्टिंग थंडर इज 5 seconds, अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार अवे द लाइटनिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये नॉर्मली इस तरह का सवाल कभी मुश्किल से आता है, कभी भी आप लाइटनिंग देखते हो, सबसे पहले लाइटनिंग देखते हो उसके बाद साउंड आता है, डिस्टेंस 5 सेकंड अगर बीच में है तो कितना डीप होगा डिस्टेंस, जैसे कि 5800 feet कह सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा कौन सा मटेरियल के अंदर आप देखने को मिलता है हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि एल्यूमिनियम है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्मल इंसुलेशन इज़ यूज टू, जो कि थर्मल इंसुलेशन रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट। द रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद द लोएस्ट pH वैल्यूज फाउंड इन रेन वाटर, जो कि रेन वाटर के अंदर आपको एसिड रेन्स कह सकते हैं, यहाँ पे जो भी रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद द लोएस्ट pH वैल्यू फाउंड इन रेन वाटर, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का एसिड रेन देखने को मिलेगा अमेरिका में। अब बात आता है दोस्तों, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है मर्क्यूरी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के टाइम पे कितना रहेगा, 13.6 रहेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंसिडर एफिशिएंसीज ऑफ हाइड्रो टर्बाइंस एंड जनरेटर्स, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो टर्बाइंस इज 80% ऑन द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर इज 90%, व्हाट इज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट, जो कि यहाँ पे 72% है दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखिएगा। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है, जो भी परसेंटेज दिया गया है, ओवरऑल एफिशिएंसी दैट इज 72%, हाइड्रो यानी पानी का टर्बाइन से। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द एवरेज नंबर ऑफ गैलन्स पर पर्सन ऑफ फ्रेश वाटर यूज पर डे फॉर पर्सनल दैट इज नॉन इंडस्ट्रियल यूज सच एज बाथिंग लॉन्ड्रिंग ड्रिंकिंग एंड द लाइक इज अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 90 गैलन्स है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे
एवरेज नंबर ऑफ गैलन्स पर पर्सन ऑफ फ्रेश वाटर यूज पर डे दैट इज़ फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ बाथिंग सब 90 गैलन्स पानी खर्च कर देते हैं, इतने ज़्यादा खर्च करते हैं। टैक्सोल इज़ अ ड्रग करेंटली बीइंग यूज्ड टू ट्रीट कैंसर पर्टिकुलरली रेसिस्टेंट फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। ए नेचुरल सोर्स ऑफ टैक्सोल इज़, जैसे कि आप जानते हैं इस टैक्सोल को ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जाता है, और ये बार्क एंड लीव्स ऑफ ईयर ट्री, इस ईयर ट्री से ये टैक्सोल प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। सम फिजिशियन सजेस्ट दैट वुमेन सप्लीमेंट देयर डाइट्स विद एंटासिड्स टू सप्लाई एडिशनल अमाउंट्स ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट थॉट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। द इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स विच प्रोवाइड्स दिस एलिमेंट इज दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आप देखने को मिलेगा बोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि आप जानते हैं सोडियम बेकिंग सोडा होता है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट आप बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कम हो जाता है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे आपके दांत पूरा एकदम कमज़ोर हो जाएगा, बोन जल्दी ब्रेक हो जाएगा। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट वेट इन पाउंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन ए 1 square feet सरफेस एट सी लेवल, जो कि वेट होता है 2100। अभी LBs क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, नॉर्मली डेसिबल्स DBs होता है, और LBs क्या है आप मुझे बताइएगा। टिंडल इफेक्ट आप जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th power ऑफ द वेव लेंथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट वुड एग्जिबिट द मोस्ट इंटेंस टिंडल स्कैटरिंग, जैसे कि जो भी डिविएशन होता है अपना, जो भी रेनबो होता है वो सिर्फ टिंडाल की वजह से, और यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट इंटेंस टिंडाल स्कैटरिंग आपको वायलेट में देखने को मिलेगा। इसका जो डिविएशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द रेड, दैट इज़ द रीज़न हम वायलेट को यूज़ नहीं करते हैं, लाल को यूज़ करते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे। व्हाट कॉमन फ्लावरिंग कम्स फ्रॉम द लॉन्ग स्लेंडर फ्रूट ऑफ ए क्लाइंबिंग ऑर्किड, जो कि वनीला आप देख सकते हो, ये कॉमन फ्लावरिंग है फ्रॉम द लॉन्ग स्लेंडर फ्रूट ऑफ ए क्लाइंबिंग ऑर्किड। व्हाट फॉर्म ऑफ रेडिएशन मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स एक्सरे, यहाँ पे रेडिएशन जो इक्वलेंट टू एक्सरे जिस हिसाब से रहता है, ठीक उसी तरह आप गामा रेस में आपको देख सकते हो, काफ़ी पेनेट्रेटिव होता है दोस्तों। द हीट एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल विथ एन इंटरनल कंबशन इंजन रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल फ्यूल, अगर देखा जाए जो भी एग्जॉस्ट चलता है इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल फ्यूल, जो कि 35% आप कह सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ए वेराइटी ऑफ वेज, विच आर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट्स लिक्विड फ्यूल डायरेक्टली इन टू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ए फ्यूल सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट फ्यूल सेल इट डायरेक्टली हैपन्स। सो यहाँ पर लिक्विड फ्यूल जो भी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये टेक्नोलॉजी जो भी कन्वर्ट करता है लिक्विड फ्यूल एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, विदाउट ए फ्यूल सेल के बिना ये काम हो सकता है। कलर टेलीविजन आप जानते हैं, सेट एम्प्लॉयज ए 25,000 volt इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर टू प्रोड्यूस द पिक्चर एंड पोटेंशियली हार्मफुल रेडिएशन विच मस्ट बी शील्डेड अगेंस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर आपको सॉफ्ट एक्सरेस देखने को मिलेगा, जो कि 25,000 volt इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को प्रोड्यूस करता है पिक्चर दिखाने के लिए, सॉफ्ट एक्सरेस दोस्तों। व्हाट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिक ऑर्गेनोमेटल दैट कॉज्ड इवन मोर इंजुरीज इन इराक, 71-72 में काफ़ी इंजुरीज हुआ था इराक में, सो 50s and 60s में मिनी माता बे हुआ था, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, जो मिनी माता बे एक वहाँ पे एक छोटी सी बे है ये जापान में, और वो सिर्फ मीथाइल मर्क्यूरी की वजह से काफ़ी लोगों को डेथ हुआ था। यह न्यूरोटॉक्सिक ऑर्गेनोमेटल है एक, जिससे आपका पूरा ब्रेन प्रॉब्लम हो गया था। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट वेट इन पाउंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन ए 1 square feet सरफेस लेवल, जो कि
21LB से दोस्तों अलग डिस्कस किया हुआ है। कॉमन फ्लेवरिंग जो कि लॉन्ग स्लेंडर फ्रूट ऑफ ए क्लाइंबिंग आर्किड जो कि वनीला है दोस्तों। व्हाट फॉर्म ऑफ रेडिएशन मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स एक्सरे दैट इज़ गामा, कुछ सवाल ऑलरेडी आया हुआ है। सो टिंडाल इफेक्ट जो कि लेस जो कि मैक्सिमम इंटेंस टिंडाल इफेक्ट वायलेट में दोस्तों। अब बात आता है 1 trillion इज़ 1 फॉलोड बाई हाउ मेनी इज 12 जीरोस, व्हाट इज़ अ 1 फॉलोड बाई 18 जीरोस। 1 trillion यानी 1 फॉलोड बाई 12 जीरोस, 1 यहाँ पे व्हाट इज़ 1 फॉलोड बाई 18 जीरोस दैट इज़ क्विंटिलियन, 18 अगर है क्विंट है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। यू कैन डायरेक्टली जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम, यू कैन शेयर इट योर फ्रेंड्स, अलग अलग लिस्ट बनाया गया है आप देख सकते हैं। इन डे लाइट द ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द विच कलर, जो कि डे लाइट में आपको मोस्ट सेंसिटिव जो कि ग्रीन है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्रेडिटेड एज बीइंग द फादर ऑफ मास प्रोडक्शन, जो कि एल वाइटनी जो कि फादर ऑफ मास प्रोडक्शन कहते हैं इनको, एल वाइटनी। बाकी एडिसन जो कि इलेक्ट्रॉन की जो कि एडिसन लाइट का आविष्कार किया उन्होंने। अगला देखिए, कंपेयर टू टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स आर मोर स्टेबल, जो कि टेरिस्ट्रियल काफ़ी स्टेबल रहता है। सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर मोर स्टेबल, लेकिन एक्वेटिक काफ़ी स्टेबल रहता है कंपेयर टू टेरिस्ट्रियल, जो कि उसमें टेम्परेचर रेंज आप देखने को मिलता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर TCDD यानी टेट्रा क्लोरो डाइबेंजो डाइऑक्सिन इज़ अ टॉक्सिक सिंथेटिक केमिकल, द मोस्ट कंसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑब्जर्व इन एक्सपोज ह्यूमन्स इज़, उसको हम कहते हैं डिसफिगरिंग स्किन एरप्शन, जिसको हम क्लोरेक्नी कहते हैं, जो कि टेट्रा क्लोरो डाइबेंजो बेंजोडॉक्सिन TCDD, ये एक सिंथेटिक केमिकल है दोस्तों। अगला देखिए, वाट पावर साइकिल इज़ यूज्ड इन जेट इंजन्स, जो कि ब्रायटन यूज़ किया जाता है जेट इंजन्स के अंदर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइंड 1 newton per meter, जो कि पास्कल है दोस्तों, फोर्स पर लेंथ प्रेशर का होता है दोस्तों। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट टेंडन अटैचेस द गैस्ट्रोक्निमस मसल टू द कैल्केनियस बोन, जो कि अकेलिस टेंडन कह सकते हो, इस टेंडन अटैचेस टू द गैस्ट्रोनिमस मसल। बस दोस्तों, ये पार्ट 4 आपके लिए काफ़ी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको गौर करिए, अगर समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। दिस इज द PDF of 20,000, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आस्क मी। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।